पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया के घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं भगवंत मान का ये काफिला अब मनीष सिसोदिया के घर से निकल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। से भी उनकी मुलाकात हुई है और अब ये काफिला धीरे धीरे निकल जा रहा है और इसके बाद इनका वापस पंजाब जाने का कार्यक्रम है। लेकिन इससे पहले आज जब मुलाकात के बाद वो बाहर निकले मनीष सिसोदिया से, तो उन्होंने कहा साफ तौर से कि मनीष सिसोदिया जेल से आने के बाद और मजबूत शख्सियत बन के निकले हैं और आने वाले दिनों में वो दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को रोल मॉडल बताया जा रहा है, उसी रोल मॉडल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी भी मजबूत होगी। और ये भी कहा भगवंत मान ने कि बहुत जल्द ही, कुछ ही दिनों में, अरविंद केजरीवाल को भी आप कैमरों के सामने जेल से बाहर देखेंगे। साथ ही पंजाब के का जो पैसा केंद्र सरकार के पास है RDF का, उसको लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब केंद्र सरकार को पंजाब का वो पैसा रिलीज़ करना चाहिए। नए राज्यपाल के ऊपर उन्होंने कहा कि गुलाब चंद कटारिया काफ़ी वेटरन पॉलिटिशियन है, 8 बार के विधायक हैं और 1 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनसे एक सुलझे हुए व्यक्ति के तौर पे वो ये उम्मीद करते हैं कि पंजाब का जो बकाया पैसा केंद्र सरकार के पास है उसको भी दिलाने का काम करेंगे और पूरी तरह से सहयोग करेंगे वो पंजाब के राज्यपाल के साथ। तो ये तमाम जो तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात हुई, उसमें ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में, जिस तरह से अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है, उन्होंने कहा कि हर स्तर पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल का हो। हरियाणा में चुनाव होने हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही पंजाब में जो 4 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग आज घोषणा करेगा और उसके बाद चुनाव की तैयारी में पूरी पार्टी जुट जाएगी। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।